डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये एक्सरसाइज 7.5 एनसीईआरटी मैथ क्लास 6, तो क्लास 6 का ये एनसीईआरटी का मैथ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कुछ पिक्चर दिया हुआ है और ये फ्रैक्शन के रूप में दिया हुआ है। क्या कह रहा है? राइट दिस फ्रैक्शंस अप्रोप्राइटली एज एडिशन और सब्ट्रैक्शंस। मतलब ये इसको देखना है ध्यान से और पता करना है कि ये एड है या सब्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पर हम लोग ध्यान से इसको देखते हैं, यहाँ पर किस तरह से दिया हुआ है। ये सेरेट है, तो सेरेट पार्ट जो होता है ऊपर में होता है और टोटल पार्ट जो होता है नीचे होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1 और टोटल पार्ट कितना है? 2, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे हो जाएगा 5, 1/5 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? 2/5 हो जाएगा, 2/5, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ इसके लिए कितना है? 3/5, 3/5। तो 1/5, 2/5, 1, 2, 3 हो गया। मतलब 1/5 प्लस 2/5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3/5। तो सेम इसी तरह से दिया हुआ है, मतलब ऐड करने पर हम लोग को ये मिलेगा, मतलब ऐड किया गया है तभी ये प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, प्लस का चिन्ह हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं ये किस तरह का दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे कम्प्लीटली 5 जो है और यहाँ 5/5 हो जाएगा, कम्प्लीटली ये सेट किया हुआ है। और यहाँ पर दिया हुआ है 1, 2, 3, मतलब 3/5, 3/5। और यहाँ पर हम लोग कितना प्राप्त है? 1, 2, तो 2/5। तो इसका मतलब है किस तरह से दिया हुआ है ये 5/5 में से, और यहाँ पे 3/5, और हम लोग को मिला हुआ है 2/5। इसका मतलब है कि हम 5 में से 2 माइनस करेंगे तो हमको 2 मिलेगा, तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग क्या भरेंगे? यहाँ पे भर देंगे माइनस, माइनस हो जाएगा। और इसी तरह से सी नंबर में दिया हुआ है, तो सी नंबर में कितना दिया हुआ है? सी नंबर में दिया हुआ है 2 सेरेट पार्ट है, 2/ टोटल कितना है? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 6 हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है 3 सेरेट पार्ट, 3 है और यहाँ पे 6 टोटल, और हम लोग को मिला हुआ है इक्वल टू में 5/6। तो 2 प्लस 3 करेंगे, 2, 3, 5 होता है। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग को 5 प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को प्लस का चिन्ह लगाएंगे तो हम लोग को ये कम्प्लीटली 2 हो जाएगा, कम्प्लीट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये कम्प्लीटली सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।